जैन प्यारे साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस में होमगार्ड की 30,000 वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि वैकेंसी के बारे में आप सभी को ऑलरेडी न्यूज़ तो मिल ही चुकी होगी, लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है कि कब तक इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और आगे क्या प्रक्रिया होने वाली है। तो उसके बारे में आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी वीडियो की जानकारी मिल पाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली अपडेट आप सभी को रेगुलर मिलती रहे। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें, देखिए आप सभी जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती होने वाली है, अपने आप में काफी बड़ी भर्ती, अब तक इतनी बड़ी कोई भर्ती नहीं करवाई गई है और काफी लंबे समय तक कोई भी भर्ती अभी नहीं हुई है होमगार्ड की। तो इसी वजह से इसमें जो काफी बदलाव किए जा रहे हैं, क्योंकि इसकी शैक्षणिक योग्यता पर भी बात की जा रही है और भर्ती प्रक्रिया की बात की जा रही है, क्योंकि पहली बार ऐसी भर्ती होगी जो कि लिखित परीक्षा के आधार पर आपकी भर्ती करवाई जाएगी। तो इस वजह से इसमें काफी बदलाव होने हैं और अभी तक आप सभी को बता दें कि इसकी अभी तक पूरा जो प्रोसीजर है उसमें पूरी तरह से संशोधन नहीं हो पाया। अभी तक इस पर काम चल रहा है कि लिखित परीक्षा के आधार पर किस तरीके से, जो इसका आप एक तरीके से कह सकते हैं पूरा सिलेबस वगैरह भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है कि क्या योग्यता होनी चाहिए। क्योंकि पहले बात करें तो 10वीं पास से ये वैकेंसी निकाली जाती थी, लेकिन अभी हो सकता है कि 10 पास से निकलेंगे या 12 पास से। इस पर अभी कन्फर्म और नहीं लग पाई है कि किस से योग्यता क्या होनी चाहिए और जो आपकी रनिंग वगैरह होगी वो सारी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से आपका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया। लेकिन अब बात आती है कि कब तक इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा सकता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये तमाम जितने और पहलू हैं इन सभी पे बहुत ही जल्दी निर्णय ले लिया जाएगा और निर्णय लेने के बाद अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो आपका नोटिफिकेशन होगा वो नोटिफिकेशन आपका दीपावली के बाद ही आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और जब तक जो चीज़ें होंगी वो एकदम स्पष्ट रूप से एकदम क्लियर हो जाएंगी और आप सभी को पूरी विस्तृत जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। तो बहुत ही जल्दी इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो इतना आप कन्फर्म हो जाइए कि दीपावली से पहले तो इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है नहीं, हो सकता है उससे भी थोड़ा 10-20 दिन आगे जा सकता है, क्योंकि जब तक इसकी पूरी अपडेट नहीं आ जाती तब तक अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं। और फिलहाल की स्थिति में अभी तक इसका पूरा सिलेबस वगैरह जो मैंने आप सभी को बताया कि लिखित परीक्षा के आधार पर होगा या नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई। जब तक क्लियर नहीं हो जाती जब तक आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा और जैसे ही इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप सभी को अपडेट करा दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने पर होमगार्ड वाले जो कैंडिडेट हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और जैसे ही कोई अपडेट आएगी रेगुलर आप सभी को सारी चीज़ें बताते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतनी ही एक छोटी सी अपडेट थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट और मैसेज आ रहे थे तो इसीलिए मैंने आप सभी के लिए एक छोटी सा वीडियो बनाया ताकि आप सभी की जो थोड़ी सी परेशानी है वो कम हो सके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली अपडेट भी आप सभी को मिलती रहे। फिलहाल के लिए साथियों बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।